उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख को लेकर विवाद छिड़ गया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा तय मुहूर्त पर सवाल उठाए जाने के बाद साधु संतों में भारी आक्रोश है। इसी मामले को लेकर ग्लोबल भारत की टीम ने बातचीत किया प्रकांड विद्वान आचार्य देवव्रत जी से, जिन्होंने शंकराचार्य की बातों को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित बताते हुए 5 अगस्त की घड़ी को अत्यंत शुभकारी बताया है। ऐसे मुहूर्त विरोधियों के बारे में देवव्रत जी ने क्या कुछ कहा, देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को मुहूर्त निकला है, लेकिन कुछ ऐसे भी संत और महात्मा हैं जो इस मुहूर्त को अशुभ बता रहे हैं और उनके अलग अलग मतभेद भी आ रहे हैं सामने। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रकांड विद्वान आचार्य देवव्रत जी। हम उनसे जानते हैं कि वास्तव में क्या जो मुहूर्त निकाला गया है वह अशुभ है या इसके पीछे कोई राजनीतिक ईर्ष्या द्वेष है। आचार्य जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को सादर प्रणाम करता हूं, सादर नमन करता हूं और आपके ग्लोबल भारत समाचार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जो इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा बिगुल बजाए हुए हैं। जो मतभेद आया है वो द्वारिका पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज का आया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनकी बातों का खंडन करता हूँ कि उन्होंने 5 अगस्त को जो मुहूर्त में पूजन होने जा रहा है, उन्होंने कहा है बुधवार को अभिजित मुहूर्त नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ या अन्य जितने भी इस मुहूर्त के विरोधी हैं, भगवान श्री राम या फिर कोई भी किसी भी भगवान को मानने वाला हो, हमारे यहाँ भावना प्रधान मानी गई है। भावो मिक्षति देवता, भाव के इच्छित फल देने वाले देवता होते हैं और भाव से ही भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान श्री राम बुधवार को ही जन्म लिए हैं और बुधवार को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक वो अभिजित मुहूर्त माना जाता है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी संत महात्माओं को या सभी धर्मावलंबियों को कि इस तरह की भावनाओं का जो अनादर किया जा रहा है, वो आप एक उच्च पद पर बैठे हैं इसलिए आपको अपने धर्म के अनुयायियों को जोड़ करके रखना चाहिए, ना कि उसमें विद्वेष पैदा करना चाहिए। इतने हजारों वर्षों के तपस्या के बाद, इतने बलिदान के बाद ये राम मंदिर का मुहूर्त आया है तो आप उसमें एक अवरोध बन रहे हैं, एक बाधक बन रहे हैं। यदि मुहूर्त न भी हो फिर भी आपको तप के माध्यम से, आपको जप के माध्यम से उस मुहूर्त को सिद्ध करना चाहिए। और भगवान तो हमेशा कहा करते हैं अहम भक्तो पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज। जब महाराज दशरथ राम को राजगादी पर बैठाने के लिए गए और गुरुदेव वशिष्ठ से प्रार्थना किया कि राम को किस दिन मैं राजगादी पर बैठाऊं, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने मुहूर्त की बात नहीं किया, उन्होंने कहा कि राजन बेग विलंब न करिय नृप। हे राजन, राम जिस दिन बैठ जाए वही मुहूर्त, वही घड़ी, वही दिन, वही तिथि, वही नक्षत्र शुभ होता है। भगवान को भी बैठाने का कोई मुहूर्त होता है, भगवान को भी बुलाने का कोई मुहूर्त होता है। भक्ति जिस दिन हमारे मन में जग जाए, भावना हमारे मन में जिस दिन उत्पन्न हो जाए, उसी दिन हमारे मन में भगवान बैठ गए हैं। और ये इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है जिसका युगों युगों से इंतजार था। इतने हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को अपनी कितनी जान की आहुति देनी पड़ी, कितनी कार सेवक कितने मारे गए थे। हम तो उस पीठ से, हम तो उस दर्द को देख करके, जब कभी कभी सीडी में, कैसेट में, या वो दर्द जब दिखाया जाता है कि हिंदुओं ने खून की गंगा अयोध्या में बहाई, खून की सरयू बह रही थी, तो आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज ये राम मंदिर बनने जा रहा है तो अपने अपने मत दे करके आप उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अरे आप तो इतने उच्च पद पर बैठे हैं कि आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। और अन्य लोग जो तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, राम को कभी किसी बंधन में ना बांधा जाए, राम को कभी किसी अन्य अपने आप में न जोड़ करके बांधा जाए। राम तो स्वयं परमात्मा है, पर ब्रह्म है, और ब्रह्म को मुहूर्त की क्या आवश्यकता है। परमात्मा तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरा,
जो न करने वाली न घटने वाली घटना को भी जो घटा दे और घटने वाली घटना को जो भी टाल दे, वही है परमात्मा, वही है ईश्वर। परमात्मा ये मुहूर्त, ये शास्त्र, ये वेद, यद्यपि परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, शास्त्र की रक्षा के लिए आते हैं, जैसे भगवान सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके नवमी तिथि को चुना, बुधवार को चुना, अभिजीत मुहूर्त चुना, वैसे ही हम सबको चाहिए कि राम मंदिर सौहार्द के लिए एक प्रेम भाव के साथ ये खड़ा हो। और आप इतने उच्च पद पर बैठ करके और इस तरह की वक्तव्य करेंगे तो ये कहाँ तक शोभा देगा। ये आप धर्म की धर्म को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सनातन वही है जो हमारे रग रग में सना हो, जो हमारे तन में सना हो, वही है सनातन। और इसलिए हम सबको चाहिए कि हम एक होकर के, एकजुट होकर के इस दिव्य मुहूर्त का स्वागत करें और इसके साक्षी बने, दीपक जला करके इस दिव्य मुहूर्त का सदियों सदियों ये गाथाएं गाई जाएंगी, इतिहास के पन्नों पर हमारा आपका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। कितनी पीढ़ियां हमारी बीत गई इस दिन का इंतजार करते करते, कितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग इस दिन का इंतजार करते करते अपना देह त्याग दिए कि वो घड़ी, वो दिन, वो मुहूर्त कब आएगा कि मैं राम मंदिर का दर्शन करूंगा, रामलला का दर्शन करूंगा। और आज वो घड़ी आई तो हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज ऐसे भी संत, ऐसे भी महापुरुष, ऐसे भी दिव्य आत्माएं इस धरती पर विराजमान हैं कि अपने ही धर्म का विरोध कर रही हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा यदि विरोध दूसरे पंथ का अनुयायी, दूसरे धर्म का अनुयायी करता तो एक बार मुझे इतना दुख न होता जितना दुख अपने धर्मावलंबी, अपने राम को मानने वाले, अपने कृष्ण को चाहने वाले, अपने वेद वेदांत को, अपने धर्म को जानने वाले इस तरह की बातें करेंगे। ये तो धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म कभी तोड़ने की बात नहीं करता है, हमेशा जोड़ने की बात करता है। क्या पंडित जी ये कोई राजनीतिक वजह से इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं या फिर उनका अपना विचार है? मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन आज तक जहां भी मैंने देखा है, मैंने जहां भी देखा है, हमेशा पूज्य महाराज श्री के विवादित बयान ही रहते हैं। जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले साई को लेकर के भी कुछ बयान किया था। मैं किसी बयान का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक ही बात करता हूं, आज जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो केवल सनातन धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आपका ये दोष है, जितने धर्मावलंबी हैं वो अपने अनुयायी से ज्यादा आज यदि अपने धर्म का अनुयायी बनाने का सोच लें, आज हमारी आपकी भावना क्या है? कोई बड़े लेवल पर पहुंच गया तो भगवान का अनुयायी नहीं बनाना चाहता है, वो अपना अनुयायी बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि मेरे चेले कितने हो जाएं, मेरे शिष्य कितने हो जाएं, मेरे चहेते कितने हो जाएं। अरे आप इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लेकर के आए हो, परमात्मा की सेवा यदि आपको मिली है, कथा की, प्रवचन की, भगवान को उनको आवाहन करने की, उनसे जोड़ने की, तो आप केवल उनसे जोड़िए, न कि अपने आप से जोड़िए। इस तरह का विवादित बयान दे करके कहीं ना कहीं ये राजनीति प्रेरित ही मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह से ये राजनीति से जोड़ा जाए और हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की राजनीति से देखी जाए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवव्रत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था है और इसके लिए कई सनातनी धर्म हो और कार्य सेवक हो, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और भगवान श्री राम तो स्वयं मुहूर्त बनाते हैं और वही बिगाड़ते हैं, वही पालनहार हैं और वही लोगों को मृत्यु दंड भी देते हैं। ग्लोबल भारत के लिए प्रतापगढ़ से।